स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एमएसएमई सेक्टर के बारे में, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर के बारे में डिस्कशन होने वाली है। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया उद्यमी भारत में। उद्यमी भारत एक प्लेटफॉर्म है, कॉन्क्लेव है, जहां पे एमएसएमई सेक्टर के अलग अलग स्टेक होल्डर्स आते हैं, अलग अलग इनिशिएटिव्स एमएसएमई के लिए अनाउंस होते हैं। इस बार के उद्यमी भारत में भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कई सारे इनिशिएटिव्स अनाउंस किए। आप देख सकते हैं वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर लॉन्चेस न्यू स्कीम्स फॉर एमएसएमई सेक्टर। तो हम लोग इसके बारे में चर्चा जरूर करेंगे, कौन सी स्कीम्स है जो लॉन्च हुई है। साथ ही साथ हम लोग ये भी बात करेंगे कि उद्यमी भारत में और क्या अनाउंस हुआ। हम लोग चर्चा करने वाले हैं एमएसएमई आइडिया हैकेथॉन 2022 के बारे में। इसके अलावा इसी उद्यमी भारत प्रोग्राम में नेशनल एमएसएमई अवार्ड्स 2022 भी अनाउंस किए गए, तो हम लोग इन सारी चीज़ों के ऊपर इन्फॉर्मेशन लेंगे। इनफैक्ट चर्चा शुरू करते हैं एक सिंपल से सवाल के साथ। एमएसएमई सेक्टर के डेफिनेशन से जुड़ा हुआ एक सवाल है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। पहला स्टेटमेंट है, माइक्रो एंटरप्राइज इज वन वेयर एनुअल टर्नओवर इज नॉट मोर देन 5 करोड़। मीडियम एंटरप्राइज इज वन वेयर एनुअल टर्नओवर इज नॉट मोर देन 50 करोड़। ये है दूसरा स्टेटमेंट। इन दोनों में से आपको बताना है कौन से सही है कौन से गलत है। यू हैव टू चूज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कोड। कुछ सेकंड लीजिएगा टू अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू डेफिनेशन। इस डिस्कशन में आपको इस सवाल का जवाब तो मिल ही जाएगा। इसके अलावा हम लोग इन जनरल इंपॉर्टेंस ऑफ एमएसएमई सेक्टर के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा कौन सी नई स्कीम्स अनाउंस हुई है विथ रिगार्ड टू एमएसएमई, ये भी चर्चा करेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको इन दिस वीडियो। टू गेट टू नो दैट स्टे विथ मी ऑन स्टडी आईक्यू। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए। स्टडी आईक्यू का फाउंडेशन बैच शुरू होने वाला है 11 जुलाई सुबह 8 बजे से। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की, दिस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर जनरल स्टडीज नीड्स। इस कोर्स में आपको प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी, पर्सनालिटी टेस्ट की भी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ये क्यों? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉम्प्रिहेंसिव फीचर्स है हमारे प्रोग्राम के। 10 महीने का आपका शेड्यूल बना हुआ है। 10 महीने आपके क्लासेस चलेंगे लाइव सुबह 8 बजे। 900 घंटों से भी ज्यादा लाइव टीचिंग होगी। 1-to-1 मेंटरशिप आपको मिलेगी। 1-to-1 मेंटरशिप के अलावा आपको ग्रुप मेंटरशिप भी मिलेगी, जिससे कि आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हो। इसके अलावा आपको कंटिन्यूसली क्रिस्प नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यू सॉल्व कराए जाएंगे आपसे, आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन आपकी होगी, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम आपको मिलेगा, करंट अफेयर्स प्रोग्राम आपको मिलेगा। यू विल गेट एवरीथिंग इन वन प्रोग्राम इटसेल्फ। और आप जानते हैं कि स्टडी आईक्यू का उद्देश्य है कि क्वालिटी एजुकेशन आप तक ले आए एट अफोर्डेबल प्राइसेस। और अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करोगे जब भी आप ये कोर्स खरीदोगे राहुल लाइव, यू विल गेट दिस एंटायर प्रोग्राम फॉर 18,999 ओनली। ध्यान रखिएगा, रिमेंबर द डेट 11th जुलाई 2022 पे ये कोर्स शुरू हो रहा है एट 8 AM। तो देर किस बात की है, जस्ट विजिट द डिटेल्स दैट आर गिवन हियर एंड एनरोल फॉर दिस कोर्स एज सून एज पॉसिबल। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी चर्चा होने वाली अबाउट एमएसएमई सेक्टर। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एमएसएमई सेक्टर। उद्यमी भारत प्रोग्राम में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इसको रीइटरेट किया कि एमएसएमई सेक्टर किसी भी देश का एक बैकबोन होता है इन देयर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, नॉट जस्ट फॉर इंडिया, फॉर एनी अदर कंट्री। एमएसएमई सेक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग भारत की बात करें, लार्ज पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एमएसएमई सेक्टर। 12 करोड़ लोग एमएसएमई सेक्टर के ऊपर एम्प्लॉयमेंट के लिए निर्भर होते हैं। ये जो सेक्टर है ये जीडीपी के प्रति भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है। ओवरऑल 33% ऑफ इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट इट कम्स फ्रॉम द एमएसएमई सेक्टर। 20% से भी ज़्यादा एमएसएमईज रूरल एरियाज में मिलते हैं, तो रूरल वर्कफोर्स भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। तो इसीलिए एमएसएमई सेक्टर इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द क्रिटिकल सेक्टर्स फॉर एनी इकोनॉमी एंड इंडियन इकोनॉमी इज नो एक्सेप्शन। अब सबसे पहले ये एमएसएमई होते क्या है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और इंडस्ट्रीज, इनका डेफिनेशन क्या है। देखिए 1 जुलाई 2020 से एक कॉमन डेफिनेशन आ चुका है। पहले अलग अलग डेफिनेशन था फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर, लेकिन इस तारीख के बाद आपको एक ही एक क्राइटेरिया, कंपोजिट क्राइटेरिया मिलता है, इन्वेस्टमेंट का और एनुअल टर्नओवर का। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, वो सवाल भी जुड़ा हुआ था एनुअल टर्नओवर से, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों भी अभी एक ही क्राइटेरिया बन जाता है। माइक्रो का मतलब है जिसके पास इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ की और एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से भी कम है।
स्मॉल के लिए जहां पे इन्वेस्टमेंट है प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट में 10 करोड़ से कम और इनका एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ से कम होना चाहिए, और मीडियम के लिए 50 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट, 50 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट और 250 करोड़ टर्नओवर। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस, एग्जाम के दृष्टिकोण से एमसीक्यू बन सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़। एनुअल टर्नओवर कितना होना चाहिए? प्लीज़ रिमेंबर 5 करोड़, 50 करोड़, नॉट 100 करोड़, 250 करोड़। प्लीज़ नोट दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट? आई होप कि उस सवाल का जवाब आपको मिल चुका है। चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं खबर क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया उद्यमी भारत में इन न्यू दिल्ली, जहां पे उन्होंने 3 स्कीम्स के बारे में अनाउंस किए। एक है रैम्प स्कीम रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, दूसरा है कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर फर्स्ट टाइम एमएसएमई एक्सपोर्टर्स, और तीसरा है एक नया फीचर, ऑल दो स्कीम पुरानी है, पीएमईजीपी प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो इन चीज़ों को समझते हैं, लेकिन उससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर ने एमएसएमई के इंपॉर्टेंस बताया, ही अनाउंस समथिंग फॉर अस फॉर इंडिया, एमएसएमई एक्चुअली मींस मैक्सिमम सपोर्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। उन्होंने ये भी कहा, स्ट्रेंथनिंग द एमएसएमई सेक्टर इज बेसिकली स्ट्रेंथनिंग द एंटायर सोसाइटी। इससे पता चलता है कि एमएसएमई सेक्टर का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो 3 स्कीम्स अनाउंस हुए, उसमें से पहली स्कीम थी रैम्प स्कीम। रैम्प स्कीम इज रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस स्कीम। ये एक वर्ल्ड बैंक असिस्टेड सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। आपको ध्यान रखना है, सेंट्रल सेक्टर यानी कि पूरा का पूरा जो पैसा आने वाला है, जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन जाएगा इसके लिए, इट इज गोइंग टू कम फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट इटसेल्फ। और इस स्कीम को अनाउंस किया था ओविंग टू द कोविड-19, जहां पे एमएसएमई सेक्टर के ऊपर काफी ज्यादा इंपैक्ट हुआ था, और मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज इसको इंप्लीमेंट करेगी। रैम्प स्कीम के अंडर 6000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की असिस्टेंस जाएगी टू द एमएसएमई सेक्टर, और वर्ल्ड बैंक की तरफ से ऑलरेडी 3750 करोड़ रुपए अप्रूव हो चुके हैं, और बाकी जो राशि है वो केंद्र सरकार इसमें ऐड करने वाली है, 2312 करोड़ रुपीज। सो टोटली 6000 करोड़ रुपीज जाएंगे टूवर्ड्स रीवैम्प और डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई सेक्टर, जो कोविड-19 से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। अब यहां पे होगा क्या? अंडर द रैम्प स्कीम एमएसएमईज के लिए स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स डेवलप किए जाएंगे। कैसे उनकी मार्केट एक्सेस और कैसे उन्हें क्रेडिट अवेलेबिलिटी करा जाए, इसके प्रति भी स्टेप्स आएंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर कैसे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, कैसे पार्टनरशिप कर सकते हैं, इसके प्रति भी स्टेप्स लिए जाएंगे। एमएसएमई सेक्टर में अगर पेमेंट्स डिले हो रही है तो उस इशू को कैसे एड्रेस किया जाए, इसके ऊपर भी काम किया जाएगा। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर्स में हम लोग ग्रीनिंग कैसे ला सकते हैं, यानी कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को हम लोग कम कैसे कर सकते हैं एमएसएमई से, इसके ऊपर भी काम किया जाएगा। साथ ही साथ इंडस्ट्री 4.0 यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एटसेट्रा, इसको भी प्रमोट किया जाएगा एट द एमएसएमई लेवल टू मेक देम मोर कॉम्पिटिटिव एंड सेल्फ रिलायंट। इनफैक्ट इस रैम्प स्कीम की जो शुरुआत थी वो एक कमेटी थी, उसके रिकमेंडेशन के बेसिस के ऊपर थी। 2019 में श्री यूकेश सिन्हा कमेटी सेटअप की गई थी, जिसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस ये था टू गिव मेजर्स फॉर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी ऑफ एमएसएमई सेक्टर। इन्होंने 2019 में ही कहा था रैम्प की तरह एक स्कीम आनी चाहिए जहाँ पे एमएसएमई सेक्टर को मदद मिलनी चाहिए। और 2020 में बिनो कोविड-19 आया, जिससे एमएसएमई सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट हुआ, इसीलिए 6000 करोड़ रुपए की इस स्कीम को अनाउंस किया गया, एंड दिस वाज अगेन अनाउंस एट द उद्यमी भारत प्रोग्राम अगेन, राइट? इसके अलावा एक और स्कीम अनाउंस हुई है, वो है CBFTE कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एमएसएमई एक्सपोर्टर्स। नाम से ही पता चल रहा है कि अगर कोई एमएसएमई है जो अपना प्रोडक्ट है उसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स है, तो उनकी हैंड होल्डिंग होगी। अब देखिए, जब भी हमें एक्सपोर्ट करना होता है, समझ लीजिए मेरा एमएसएमई एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ मैं, मुझे उसको एक्सपोर्ट करना है, समझ लीजिए यूके। अब यूके की कुछ स्टैंडर्ड्स रहेंगे, है ना, तो उन स्टैंडर्ड्स को कैसे आप मेंटेन करें, कैसे एक्सपोर्ट में हैंड होल्डिंग हो सकती है, जैसे कि एक्सपोर्ट का प्रोसेस क्या होता है। अगर आप फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर हैं तो आपको मॉनेटरी सपोर्ट मिलेगी, आपका प्रोडक्ट को सर्टिफिकेशन कैसे कराएंगे ताकि यूके में वो कंप्लायंट हो, कुछ इस तरह की चीज़ें सारी मदद की जाएगी सरकार द्वारा। मैंने बस आपको उदाहरण बताया कि अगर कोई एमएसएमई है जो फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर बनना चाहता है तो उनकी हैंड होल्डिंग होगी, जिससे कि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे और इंडिया की ग्लोबल वैल्यू चेन में और भी प्रोडक्ट्स ज़्यादा बढ़ेंगे वहाँ पर, राइट? सो अनदर स्कीम इज द कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर फर्स्ट टाइम एमएसएमई एक्सपोर्टर्स। इसके अलावा एक तीसरी स्कीम अनाउंस हुई, जिसके कुछ नए फीचर्स अनाउंस हुए, और वो है पीएमईजीपी। ये पीएमईजीपी है क्या? प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अब ये कोई नई स्कीम नहीं है, यू नीड टू अंडरस्टैंड, दिस इज अ वेरी ओल्ड स्कीम।
इनफैक्ट इसकी शुरुआत हुई थी 2008 में। ये एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम है। अगर एमएसएमई कोई स्टार्ट करना चाहता है तो उन्हें क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी मिलती है, जिससे कि अब एमएसएमई सेक्टर से तो एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगा ही होगा, तो इसीलिए सब्सिडी दी जाती है। और आपको ध्यान रखना है अंडर द पीएमईजीपी रूरल एरियाज में भी एमएसएमई बनाए जा सकते हैं, अर्बन एरियाज में भी बनाए जा सकते हैं। तो 2008 से ये प्रोग्राम ऑलरेडी रनिंग है, लेकिन कुछ ही दिनों पहले इसको एक्सटेंशन मिली हुई है। 15th फाइनेंस कमीशन का जो साइकिल है 5 साल के लिए 2021-22 से 2025-26 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। इसकी आउटले है अभी 13,552 करोड़ रुपए। अब इसके अंदर कुछ बदलाव आया। आपको ध्यान रखना है कि ये प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, और इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, इट इज़ केवीआईसी, दैट इज खादी इंडिया इसको इंप्लीमेंट करता है। इसको ध्यान रखिएगा एग्जाम के दृष्टिकोण से, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब बदलाव क्या आया है स्कीम में, देखिए पहले क्या था कि अगर मुझे मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक एमएसएमई सेटअप करनी है तो मेरा क्रेडिट कितना मिलता था या फिर सब्सिडी कितनी मिला करती थी, 25 लाख। अभी वो डबल हो चुकी है, 50 लाख तक सब्सिडी मिलेगी। सर्विसेज सेक्टर में अगर एक एमएसएमई बनेगा तो पहले 10 लाख तक का जो सब्सिडी था वो मिला करता था, लेकिन अभी वो डबल हो चुका है 20 लाख तक का। इसके अलावा कुछ और भी चेंजेस आई हैं। ट्रांसजेंडर्स एप्लीकेशन, उनको हायर सब्सिडीज और मिलेगी, ये भी बताया गया। इसके अलावा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से अगर एप्लीकेशन आएगा फॉर एमएसएमईज, उन्हें भी हायर सब्सिडीज मिल सकती है, ये भी अनाउंस किया गया। इसके अलावा हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया जाएगा, जो भी एप्लीकेंट्स एंटरप्रेन्योर्स रहेंगे उन्हें बैंकिंग, टेक्निकल और दूसरी एक्सपर्टीज होती है, मार्केटिंग एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों के प्रति हैंड होल्डिंग होगी, ये भी अनाउंस किया गया थ्रू दी पीएमईजीपी। तो ये 3 स्कीम्स थे जो अनाउंस हुए एट दी उद्यमी भारत प्रोग्राम। इसके अलावा एक और चीज़ भी हुई, एक और अपडेट है एमएसएमई आइडिया हैकेथॉन के प्रति। देखिए आइडिया हैकेथॉन मतलब क्या होता है, एमएसएमई के प्रति कुछ नई आइडिया आ जाए, उसको कैसे हम लोग बिल्ड कर सकते हैं, इसके लिए हैकेथॉन चलता है। जो भी नए स्टार्टअप्स होते हैं, जो नए आइडियाज होते हैं, जो उनको कैसे हम लोग इंक्यूबेट कर सकते हैं, उनको कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसके लिए हैकेथॉन चलाया जाता है। तो इट इज़ बेसिकली एम डेट प्रमोटिंग सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स, जो भी इंडिविजुअल्स हैं, नए स्टार्टअप्स हैं, अगर कोई नई आइडिया आई है, उनके पास अगर पैसा नहीं है स्टार्टअप करने के लिए, तो सरकार उन्हें 15 लाख रुपए पर आइडिया एक फंडिंग देती है। और इस साल 200 से भी ज़्यादा आइडियाज आए थे अंडर द मैजिक स्कीम, जिसमें से 5 स्टार्टअप्स को अभी 15 लाख की फंडिंग मिलेगी। एनाटॉमिक लिमिटेड, मल्हारी प्रोजेक्ट, न्यू इनोवेटिव सॉल्यूशंस, इंटेलिजेंट डेंटल इनोवेशन एंड स्पार्क बैटरीज आर गोइंग टू गेट 15 लाख फॉर देयर इंक्यूबेटिंग आइडिया। इसके अलावा नेशनल एमएसएमई अवार्ड्स 2022 भी अनाउंस हुए। मैं आपको सीधे वहीं पे लेके जा रहा हूँ जहाँ पे आपको कंप्लीट लिस्ट ऑफ विनर्स मिलेगी। ऑल दो नॉट हाईली इंपॉर्टेंट, बट आपको ध्यान रखना है कि नेशनल एमएसएमई अवार्ड्स हर साल दिए जाते हैं फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फॉर अ स्टेट, यूनियन टेरिटरी, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सर्विसेज के लिए, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के लिए भी दिए जाते हैं। आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पहला प्राइज किसको गया है इन टर्म्स ऑफ प्रमोटिंग द एमएसएमई सेक्टर। फर्स्ट प्राइज एमएसएमई डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, स्टेट लेवल के लिए। और आपको ध्यान रखना है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे द फर्स्ट प्राइज हैज गॉन टू एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट विरुदुनगर, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। तो इन दोनों चीज़ों का आप ध्यान रखिए। इसके अलावा सबसे बेस्ट बैंक इन टर्म्स ऑफ एमएसएमई डेवलपमेंट इज एसबीआई। अलग अलग कैटेगरीज में आप यहाँ पे विनर्स भी देख सकते हो, दूसरे दूसरे कंपनीज, although not very important from exam perspective, but कई बार स्टेट PSC में दूसरे exams में कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाती है, which state has been given outstanding award for their contribution towards MSME, that is the government of Odisha, first prize मिला है उसको। और aspirational districts में it is Virudhunagar from Tamil Nadu, जिसे पहला award मिला है। तो let me end our discussion with this factual information. Thank you for watching this particular video. Jai Hind. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।